हेलो दोस्तों, दिल की गहराई से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आप लोग अपने कीमती वक्त निकल कर आते हैं वीडियो देखने के लिए, इसके लिए तो थैंक यू बोलूँगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा आप लोगों तक पहुँचता रहेगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिविडेंड के बारे में। देखो, डिविडेंड एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम माना जाता है। बहुत कंपनी का एक छोटा पोर्शन जो होता है ना प्रॉफिट का, वो आपके साथ शेयर किया जाता है। कंपनी जब धुएंदार अच्छा प्रॉफिट करती है तो कंपनी बोलती है, भाई ये पैसा हमारे पास फालतू बचा ले लो, आपने हमारे कंपनी के शेयर खरीदे, आप मालिक हो तो आप इतनी हिस्सेदारी आप ले सकते हो करके। तो कंपनी क्या करती है कि आपको उसका थोड़ा हिस्सा देती है, जो कि बहुत ज़बरदस्त होता है। कुछ कंपनी तो 4%, 5%, 6% या 8-10% तक आपको डिविडेंड निकाल के देती है। साथ में प्राइस अप्रिसिएशन, बोनस, स्टॉक स्प्लिट, बहुत सारी चीज़ों का आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। तो ये आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, कैश के फॉर्म में। इसको आप खा सकते हो, पी सकते हो। खाने पीने का मेरा कहने का मतलब है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे चीज़ें पैसे आ जाते हैं जो कूपन के फॉर्म में, ऐसे वैसे नहीं। नहीं, ये डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में कैश के फॉर्म में आते हैं, क्योंकि ये एक रियल मनी है। आप चाहो तो इसी से दोबारा आप कंपनी का शेयर्स खरीद सकते हो, दोबारा आप इसी कंपनी का शेयर्स खरीदो, री इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहो तो कर सकते हो। और आप आने वाले 10 सालों में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बन सकते हो, इतना आपको डिविडेंड देखने को मिल सकता है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, समझ रहे हो? तो एक कंपनी ने बहुत तगड़ा डिविडेंड दिया, जिसके वजह से एक को कितना 3000 करोड़ तक का डिविडेंड मिला है। वो कौन है पता है? LIC, देख सकते हो। LIC ने कमाया है 2940 करोड़ का डिविडेंड। कहाँ से? तो ITC से। और LIC ने ITC के शेयर्स क्या आज खरीदे हैं? नहीं, इसने LIC ने बहुत पहले इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो ये इतने बड़े बड़े जो डिविडेंड आपको मिलते हैं, ये बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट में मिलते हैं। तो आप अगर आप छोटा इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो उसके ऊपर भी आपको उसी तरीके से रिटर्न देखने को मिलता है, समझ रहे हो? तो ये इनको डिविडेंड मिला है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये पब्लिक में बताई जा रही है। अब छोटे लोगों को मान लेते हैं, किसी को 5000 का डिविडेंड मिलता है, 10000 का या 20000 का या 50000 का डिविडेंड मिलता है, तो ये छोटे छोटे डिविडेंड जो पब्लिक में नहीं दिखाया जाता है, कितने लोगों को दिखाएंगे? ऐसे तो सबको मिलता होगा, लेकिन फिर भी अगर आप सोचो तो 5000, 10000, 20000 का जो डिविडेंड अमाउंट होता है बहुत बड़ा होता है। और इनका 10 लाख करोड़ का जो पोर्टफोलियो आपको बताया जा रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है भाई, छोटा मोटा पोर्टफोलियो नहीं है इनका। और साथ में प्राइस अप्रिसिएशन बोला जाता है, मतलब स्टॉक भाग रहा है, इसका भी तो फ़ायदा मिल रहा है ना भाई, दोनों तरफ से फ़ायदा हो जाता है। और अभी देख लीजिए, कंपनी आपको निकाल के दे रहा है 2.92%, ऑलमोस्ट 3% का आपको डिविडेंड देखने को मिला। 3% बहुत है भाई, बहुत है, बहुत ही अच्छा है। आपको FD में 5-6% मिलता होगा भाई, यहाँ पर तो आपको मिल गया है 3% का डिविडेंड बैंक अकाउंट में। और भाई साथ में ये जो स्टॉक भागा है एक साल में, उसका भी तो रिटर्न मिला ना। हाँ, एक साल में 50% भागा, ये भी मिल गया, वो भी मिल गया। तो इस 50% को कट करो, कम से कम अगर मान लेते हैं अगर आपको 20% भी रिटर्न निकाल के देता है एक साल में, तो ये बहुत अच्छा है। और उधर से आपको मान लेते हैं कि 3 या 5% का आपको डिविडेंड भी मिल जाता है, तो मज़े ही मज़े हैं भाई। ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो बहुत ज़्यादा हाई पेइंग स्टॉक होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। आइए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कंपनी का नाम, और ये आपको बताया जाएगा कितना परसेंट डिविडेंड देता है, वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, जूम कर दूँ और अच्छी तरीके से दिखाई देगा, अगर आपको अच्छे से दिख रहा है बस उतना ही। कोल इंडिया 8.4% का डिविडेंड, और दूसरी कंपनी उससे थोड़ी सी कम, लेकिन आप 8% ही लेके चलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप यहाँ पर 8.5 भी बोल सकते हैं, लेकिन ये शेयर का प्राइस के ऊपर डिपेंड होता है। शेयर का प्राइस बहुत 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 तेज़ी से भागता जा रहा है, तो डिविडेंड का परसेंटेज कम होता जाएगा, क्योंकि ये लोग परसेंटेज नहीं रखते हैं, ये लोग अमाउंट रखते हैं। ये लोग बोलते हैं कि भाई देखो, हमें 100 करोड़ पब्लिक को देना। अब मान लेते हैं कंपनी का शेयर भाग गया, तो ये जो परसेंटेज वाला है, ये परसेंटेज हटाया जाता है, बोलता है कि भाई यहाँ से नया परसेंट निकालो, समझ में आया? तो ये बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो आपको बहुत तगड़ा तगड़ा डिविडेंड निकाल के देती है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ गेल इंडिया, ठीक है। गेल इंडिया कितना देता है भाई डिविडेंड? तो ये आपको देता है 6.36%, FD से ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिया। उसके बाद दूसरी कंपनी देख लेते हैं, हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक अगर आप देखोगे तो ये आपको देती है 24.5% का डिविडेंड, बहुत तगड़ा है भाई, 25%, बाप रे बाप, मज़ा आ जाएगा तब तो। उसके बाद वेदांता, वेदांता भी 25% का डिविडेंड निकाल के देता ही होगा। डिविडेंड अगर आप देखोगे तो भाई 36% का डिविडेंड, जेन्युइन कंपनी है, बहुत पावरफुल और ताकतवर कंपनी, 36% का डिविडेंड, मतलब समझो भाई बल्ले बल्ले ही हो जाएंगे। और उसके पास कोल इंडिया तो मैंने आपको दिखाई दिया ना वहाँ पर, ठीक है, डिविडेंड 8.44% वहाँ पर दिखाया आपको, वही चीज़ है। दूसरी कंपनी REC, अगर आप ये देखोगे
तो ये कंपनी भी आपको 8.44% का डिविडेंड निकाल के देती है। ये मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, अब मैं आपको कुछ सिखाता हूँ। डिविडेंड लेना अच्छी बात होती है, डिविडेंड लेना बुरी बात होती है। देखो कोई भी चीज़ का दो मतलब होता है। देखो कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा करते हो तो वो ख़राब हो जाती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड लेने के चक्कर में केवल आप शेयर्स खरीदे जा रहे हो तो आप डूब जाओगे, अनिल अंबानी के फिर भाई बन जाओगे आप, समझ रहे हो ना, मुकेश अंबानी नहीं, अनिल अंबानी के भाई बन जाओगे फिर। पूछो क्यों? क्योंकि डिविडेंड वाली कंपनी अच्छी भी होती है, ख़राब भी होती है। आप केवल डिविडेंड देख के मत खरीदो, आप ये देखो कि क्या सच में कंपनी भी अच्छी है, कंपनी भी प्रॉफिट कर रही है और कंपनी का शेयर प्राइस कंटिन्यू ऊपर भाग रहा है, ये सारी चीज़ें ठीक ठाक है, तब। ऐसे तो भाई पूरे हिंदुस्तान, पूरे इंडिया करोड़पति बन जाएगा रातों रात, तब तो डिविडेंड देने वाला है, पहले खरीदो। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा कम रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा कम दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी किस तरीके से पिछले 5 सालों से प्रॉफिट कर रही है, कितना पैसा कमाती है और कितना कंपनी को ज़रूरत है और कितना पैसा ये पब्लिक को दे देती है जो अपने शेयर होल्डर्स हैं उनको, कौन सा काम ऐसी कंपनी कर रही है जिनमें इनको काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो रहा है और आने वाले 10-20 सालों में किस तरीके से कंपनी ग्रो हो जाएगी। वॉरेन बफेट अगर आप देखोगे ना तो करोड़ों रुपए केवल उनको डिविडेंड से ही आते हैं, 5,000, 10,000, 20,000 करोड़ मतलब उनको डिविडेंड से ही आते हैं। इतना पैसा जितना एक इंडिया में अमीर होने के लिए बड़े बड़े लोगों के पास नहीं होते, इतना होता है। राकेश झुनझुनवाला को ही मतलब 2-3 हज़ार करोड़ का डिविडेंड मिलता होगा। कंटिन्यू सीखते रहना है, सोचते रहना है, समझते रहना है, तभी जाके बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अगर आपको डिविडेंड वाले स्टॉक्स पे वीडियो चाहिए जो मेरे हिसाब से जो अच्छे लगते हैं, मैं आपको बताऊंगा अच्छा डिविडेंड भी रहेगा, कंपनी भी अच्छी रहेगी, तो आप कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और जो कुछ ऐसे भी कंपनी है जो मैंने खरीद के रखा है डिविडेंड के लिए और मुझे ऑलमोस्ट 30-40,000 रुपीज़ का डिविडेंड मिल जाता है पर ईयर में, एक साल में मिलता है, महीने नहीं मिलते, ठीक है, एक साल में मुझे टोटल मिल जाता है। और जब मैं टैक्स फाइल करूँगा अगले महीने तो मैं आपको दिखा दूँगा कि मुझे कितना मिलता है और मैं वो स्टॉक्स पे अप्रिशिएशन के लिए मतलब बोनस, स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड, ये सारी चीज़ों के लिए मैंने स्टॉक्स में लगाया है फायदा और धीरे धीरे हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आता है तो, ठीक है। और अगर स्टॉक मार्केट में नहीं तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आपका डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में।